नमस्कार, आप न्यूज फोर नेशन देख रहे हैं। हम नवादा के स्वतंत्रता दिवस की आपको तस्वीर दिखाएंगे। सभी देशवासियों को हम बधाई देते हुए तस्वीर दिखाना चाहेंगे। आप तस्वीर के माध्यम से देखिए कि नवादा के सबसे पहले उपभोक्ता फारम में डॉक्टर पूनम शर्मा के द्वारा झंडा तोलन किया जा रहा है। उसके बाद की जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नवादा सिविल कोर्ट की तस्वीर है, जहाँ पर देखिए डीजे के द्वारा ये झंडा तोलन किया जा रहा है। सभी लोग सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, कोरोना से लेकर सतर्क है और हर लोग चेहरा पर मास्क लगाए। उस तरह का भीड़ देखने को नहीं मिल रहा है जिस तरह का भीड़ हर बार देखने को मिलता था, लोग रहते थे, लेकिन इस बार नहीं देखे मिल रहा। आपको हम बताते थे नवादा के हरिचंदा स्टेडियम से हम लाइव तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं, जो लाइव तस्वीर के माध्यम से आप देखना चाहिए और आप लोग साफ तौर पर देखिएगा नवादा की किस तरह का लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं। तो नवादा के ये हरिचंदा स्टेडियम की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, आइए पूरी तस्वीर को हम देखते हैं। मना रहे हैं इस शुभ अवसर पर उपस्थित जिले के तमाम नागरिक गणों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम कोविड महामारी के काल में हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो प्रयास ये रहा है कि पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हम लोग ये उपलक्ष्य मनाएं। पुनः इस मंच पर उपस्थित एसपी साहब, जिला परिषद अध्यक्ष महोदय, डीडीसी साहब एवं अन्य सभी वरीय पदाधिकारी, सभी कर्मीगण, विशिष्ट अतिथिगण एवं प्रेस मीडिया के भाई बंधुगण को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, स्वतंत्रता संग्राम में कठिन संघर्ष एवं अनगिनत कुर्बानियों के बाद 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। आप अवगत हैं कि आज़ादी के 73 वर्षों के लंबे सफर में देश ने कई विकास के पड़ाव पार किए हैं और उसी रास्ते पे अग्रसर है। विज्ञान, तकनीकी, यहाँ तक कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने काफ़ी उपलब्धियाँ हासिल की हैं। विकास के मामले में देश अभी भी क्षेत्रीय असंतुलन बरकरार है, दुखद अनुभव से गुजर चुका है। विगत एक वर्ष में समाज में शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम करने में प्रशासन सफल रहा है। इसमें जिला के प्रबुद्ध नागरिकों, पत्रकारों एवं युवा वर्ग का अपेक्षित सहयोग प्राप्त रहा है। मैं इस हेतु जिले के सभी नागरिकों के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। आप अवगत हैं कि राज्य सरकार सामाजिक न्याय के साथ विकास की रोशनी समाज के सबसे कमजोर लोगों तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रम को सरजमी पर उतारकर यह राज्य कतिपय क्षेत्रों में देश के लिए उदाहरण बन चुका है। चाहे वह पंचायत निकायों में महिलाओं का 50% आरक्षण हो या सूचना के अधिकार अधिनियम अथवा लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त हो चुकी है। तत्काल इस पद की मरम्मति का कार्य भी कराया जा चुका है। इसी प्रकार बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जन्मस्थली खनवा में अस्पताल पॉलिटेक्निक निकट भविष्य में अपना मूल जो रूप है वो ग्रहण करेंगे। आप अवगत है कि निकट भविष्य में बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न होने वाला है। मैं आपसे अपील करता हूँ कि आसन चुनाव में निर्भीक होकर अपना मतदान करें। स्पेशली जो लोग हैं, जो एक निवेदन रहेगा कि बढ़ चढ़कर आगामी जो चुनाव है उनमें अपना अधिकार का मतदान जो अधिकार है उसका उपयोग करें। जो है वो आर्थिक हल युवाओं का बल है। इसके अंतर्गत राज्य के प्रत्येक युवा को आर्थिक रूप से सशक्त एवं स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य 3 योजनाएं संचालित हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत अब तक 3,094 युवाओं के 54,05,00 जो निश्चय है 7 निश्चय में से आरक्षित रोजगार महिलाओं को अधिकार, महिला सशक्तिकरण की दिशा में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित 872,400 सदस्यों को लाभान्वित किया जा चुका है।
बैंकों के द्वारा 20,652 समूहों को लगभग 40,000 से अधिक सैंपलिंग हम लोगों के जिला में हो चुकी है। कुल मिला के जो पूरे जिला में 40,000 जो सैंपलिंग हुआ उसमें से जो पॉजिटिव केसेस आए, कुल मिला के लगभग 1800 केसेस पॉजिटिव केसेस आए, जिनमें से आज की डेट में यानी कि 15 अगस्त 2020 की डेट में जो एक्टिव केसेस है वो लगभग हमारे पूरे जिला में 250 केसेस एक्टिव केसेस है। और जांच की जो व्यवस्था है वो सभी कंटेनमेंट जोन्स, पूरे जिला भर में लगभग 43 कंटेनमेंट जोन्स हैं, और सीएचसी लेवल पे जांच की जो रैपिड एंटीजन किट के माध्यम से जो जांच होती है वो उपलब्ध है। किसी भी नागरिक को अगर लगता है कि भाई उनको कोई सिम्टम डेवलप हो रहा है तो वो बेझिझक पीएचसी में जाके अपना जांच करा सकते हैं। वहीं पे उनको मेडिकल किट जो रहता है, दवाई जो पर्याप्त रहती है, उनका एक किट दिया जाएगा और उनको डेली बेसिस पे हमारे पीएचसी से और जिला में जो हम लोगों का कंट्रोल रूम है उसके माध्यम से। उनको एक और आंकड़ा दे दूं इसी कोविड से संबंधित कि जितने भी कोविड रिलेटेड जो पूरे जिला भर में डेथ केसेस हुए थे, यानी कि जो सूची हम लोगों को शिक्षा ये स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो प्राप्त हुआ, उन सभी जो डिजीज केस थे उन सबके जो नेक्स्ट जो रिलेटिव्स जो क्लोज रिलेटिव्स हैं नेक्स्ट किन को हम लोगों ने 4 लाख की जो राशि है प्रति केस मुख्यमंत्री राहत कोष यानी कि CMRF से हम लोगों ने चेक के माध्यम से उनको राशि स्थानांतरित कर दी गई है 9 केसेस को। और भविष्य में भी अगर इस प्रकार का कोई केसेस रहेगा तो हम लोग उचित कार्रवाई करते हुए उनको CMRF से राशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई करेंगे। पूरे जिला भर में पर मिलियन यानी कि 10 लाख पे जो 10 लाख की पॉपुलेशन है उस पे जो टेस्टिंग हुई है पूरे जिला भर में वो हुई है लगभग हम लोगों का 11,000 लोगों को हम लोगों ने टेस्टिंग किया है 10 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर। यानी कि पूरे जिला भर की 2011 के सेंसस के अनुसार 22 लाख की पॉपुलेशन जो आंकड़े जो 2011 का सेंसस है उसके अनुसार 22 लाख नवादा DM यशपाल मीणा के द्वारा यह जानकारी दिया जा रहा है। तो प्रति मिलियन यानी कि प्रति 10 लाख जनता पे नवादा जिला के जो नागरिक हैं उस पे हम लोगों ने 11,000 लोगों का टेस्टिंग किया है। और पिछले 10-15 दिन में यानी कि 1 अगस्त से हम लोगों का जो पूरे जिला भर में टेस्टिंग जो हो रहा है डेली का टेस्टिंग हम आपको बताना चाह रहे हैं, कम से भी कम हम लोग डेली का टेस्टिंग 3,000 टेस्टिंग कर रहे हैं जिला भर में। और उसमें से जो हम लोगों का पॉजिटिव जो लोग जो केसेस आ रहे हैं वो मात्र 0.31% केसेस पॉजिटिव टर्न अप हो रहे हैं। यानी कि पिछले 15 दिन में पूरे जिला भर में 3,000 मिनिमम टेस्टिंग हो रही है जिसमें से 0.31 यानी कि 0.31% लोग पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं। ये मैं आपसे इसलिए शेयर करना चाहा कि अभी ये बीमारी का जो है वो टेस्टिंग हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो और जो भी पॉजिटिव केसेस रहे उसको हम लोग आइसोलेट करके उसको क्वारंटीन करें। वासियों से सभी नागरिक वासियों से मेरा ये विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि भाई आप आगे से अगर सिम्टम डेवलप होता है तो आप उसको छुपाएं ना और आप नियरेस्ट जो हेल्थ फैसिलिटी है उस पे जाएं और अपना टेस्ट जरूर कराएं। चाहे हुए तो मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साथ ही जब घर से बाहर निकलें तब मास्क या साफ कपड़े से नाक और मुंह जरूर ढकें। नवादा जिला के नागरिकों से गुजारिश है कि इस राष्ट्रीय पावन पर्व पर शांति एवं सांप्रदायिक सौहार्द का संकल्प लेकर विकास योजनाओं एवं सरकारी कार्यक्रमों को सरजमी पर उतारने के लिए प्रशासन को अपेक्षित सहयोग दें एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें। यह भावी पीढ़ी एवं राष्ट्र निर्माण के लिए अति आवश्यक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिवस के अवसर पर तमाम देशवासियों को बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामना।
मैं डॉक्टर पूनम शर्मा आप लोग के सुखी जीवन स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ। बहुत ही हर्ष की बात है कि हम लोगों ने बहुत सारा जंग जीत चुके हैं और हमारी आशा है और उम्मीद भी है कि आप लोग का सहयोग रहेगा तो कोरोना का संक्रमण काल को भी हम लोग जीत लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।